आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। राहुल जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हो गया। हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग की, तो नंबर फॉर्मेटिंग पे एक बार नजर मार लेते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में क्या है कि जनरली जो नंबर्स है, जो हमारे डेटा है, उस डेटा को नंबर की जो फॉर्मेटिंग है, जैसे नंबर हो गया, जनरल करेंसी, काउंटिंग, डेट की फॉर्मेटिंग, टाइम की फॉर्मेटिंग, परसेंटेज, जो फ्री फिक्स फॉर्मेट, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बट टेक्स्ट का क्या होता है कि हम लिखना कुछ और चाहते हैं, शो कुछ और होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1500 लिखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा डेटा शो होना चाहिए MRP 1500। अब मैं मैनुअल, जैसे मैंने अभी लिखा MRP, लिखने के बाद 1500 मैनुअल लिख दिया, तो एक टेक्स्ट हो गया, क्योंकि नंबर, किसी भी नंबर के साथ अगर आपने टेक्स्ट को ऐड कर दिया तो वो टेक्स्ट है। तो इसमें हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके? तो ऐसा चाहिए कि वो नंबर हो ताकि उस पर मैथमेटिक्स का यूज कर सके हम, लेकिन हमें दिखना इस तरह से चाहिए। ओके? तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। 1500 को टाइप करेंगे और हम जाएंगे नंबर, यहां पे नंबर पे कस्टम, और यहां हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में MRP। अब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमने MRP क्यों लिखा, क्योंकि MRP एक टेक्स्ट है, इसे लिखना पड़ेगा। और यहां पे हैश या जीरो लिख दीजिए। अब दोनों बीच में एक जैसा है, बट एक्चुअली में नंबर है और एक टेक्स्ट है। MRP 1500 है, लेकिन 1500 है, लेकिन दिख रहा है MRP 1500, और इस पे हम इजीली किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते। तो कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज समझ में आया कि हम लिखना कुछ और चाहते हैं और दिखना कुछ और चाहिए। ओके, तो चलिए एक कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको। जैसे कि इस कॉलम में मुझे चेक नंबर लिखना है, मैं यहाँ पे सिंगल मान लीजिए कि यहाँ पे लगाया 001234, तो ये जीरो हट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कोड लगाते हैं और चेक नंबर लिख देते हैं। सिंगल कोड क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, टेक्स्ट में, नंबर टेक्स्ट में, माफ कीजिएगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस पूरे कॉलम में आपको टेक्स्ट लिखना है, तो हर बार सिंगल कोड लगाना क्यों, आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए और इसको कर दीजिए टेक्स्ट। अब इसपे मैं बिना सिंगल कोट लगाऊंगा तो टेक्स्ट ही लेगा, लेकिन कोई फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो फॉर्मूला रिसीव नहीं करेगा। हम टाइप कर रहे हैं तो चलो हम सिंगल कोट लगा लेंगे, लेकिन किसी ने चेक नंबर आपको दे दिया जिसमें उसने जीरो लगाया ही नहीं, अब मुझे इसके आगे जीरो लगाना है, तो एक कर करके लगाएंगे तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, तो मुझे इसको सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहां हम 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जीरो, क्योंकि 6 डिजिट को मेंटेन करना है ना, इसलिए हमने ये डिजिट यहां पर डाला। ओके, यस सर। एंड ओके कीजिए, तो ये आपका विजुअल हो गया। अब यहां देखिए, ये 000263 है, अगर आपने कहीं पेज लगा दिया 00263 ऊपर, 00263, अब ये दोनों देखने में एक जैसा है, लेकिन अगर आप इसको किसी वी लुकअप में या किसी लॉजिकल फॉर्मूला में इसको बराबर करेंगे तो फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि 00263 है एक्चुअल में, लेकिन सिर्फ विजुअल है 00263, बट एक्चुअल में सिर्फ 263 है, क्योंकि फॉर्मेटिंग के जरिए किसी भी तरह का ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं किया सकता है, जो ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनल ही रहेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग से उसकी विजुअलिटी बदल सकती है,
बट ओरिजिनलिटी ही बन सकती है, ओरिजिनल जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, डाउट इसमें? नो सर. ओके सर, डाउट. हेलो, हाँ ओके सर, कंफर्म है, डाउट नहीं. आगे बढ़े इसमें. लेकिन अब मुझे ऐसा चाहिए कि ऐसा हो कि विजुअल भी हो और ओरिजिनल भी हो, ताकि उसकी हम मैच कर सके. ठीक है, हम उसको मैच कर सके. तो क्या करेंगे, तो फॉर्मेटिंग से तो चेंज नहीं हो सकता, तो हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर्मूला. तो हम यहां टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया कॉमा, और इसमें 1 2 3 4 5 6 मतलब कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग का पार्ट है, जो कस्टम फॉर्मेटिंग की चीजें हैं, हम उसी चीजों के यहां पे लेंगे. और एंटर मारिए, ये आपका ओरिजिनल है. इन दोनों को आपस में मैच करोगे, दोनों सेम होगा. तो अगर आपको सिर्फ विजिबिलिटी चाहिए तो यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग डायरेक्ट जाके, लेकिन आपको चाहिए ऐसा जो कि विजुअल हो और ओरिजिनल हो, दोनों वैसे एक जैसा हो, तो आप फॉर्मूला में टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर आप उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, यस सर. आगे बढ़ते हैं, ऐसे जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे +91 देखे मोबाइल नंबर लिखता हूं, तो 91 एक्सेप्ट नहीं कर, तो उस केस पे क्या करेंगे, हम इसको कस्टम में 91 लगा देंगे. हाँ, फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे +91 उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 0 दे देंगे. पर 10 10 0 से दिक्कत क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे नंबर कम लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, डिजिट मेंटेन कर देंगे. तो मैं 10 टाइम ना लिख के हैश लिखूंगा. अब हैश और जीरो में क्या पंगा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. ठीक है, ये थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे. से मान लीजिए आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं, तो अकाउंट नंबर में क्या है कि अगर आप 11 डिजिट तक लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दिखेगा, जैसे आप 12वां डिजिट लिखेंगे तो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है. तो इसको लाने के लिए हम नंबर फॉर्मेटिंग में या नंबर में जा सकते हैं, या फिर हम कस्टम में जाकर सिर्फ एक टेक्स्ट एक हैश दे देंगे तो दिखेगा. लेकिन आप इसमें 15 डिजिट तक तो लिखेंगे आसानी से, 16 डिजिट जैसे लिखेंगे वो जीरो बन जाए. जीरो क्यों बना, क्योंकि नहीं अलाउ हो गया. जीरो बनने का रीजन आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके सिस्टम कंप्यूटर के अंदर में क्या है कि जो आप 15 डिजिट से ज्यादा की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते. आपकी कंप्यूटर का कैलकुलेशन कैपेसिटी है, इसलिए तो सुपर कंप्यूटर वगैरह बनते हैं. ठीक है ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है. अब हम आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर में देखते हुए मुझे सिर्फ 2 डिजिट मतलब कि 2-4 डिजिट फर्स्ट के 4 डिजिट लास्ट के नंबर लिखने, पूरा नंबर नहीं लिखना होता है. तो ऐसा हम लिखे तो 8 डिजिट ही, लेकिन एक्सेस लग के 16 डिजिट का फॉर्मेट बन जाए. जैसे कि स्टेटमेंट वगैरह में देखते होंगे ना आप, क्रेडिट कार्ड यूज करते थे राहुल जी? यस सर. हाँ, 16 डिजिट का होता है. हाँ, तो स्टेटमेंट जो आता है उसमें तो 4 डिजिट आगे का लिखा रहता है, बीच में 8 डिजिट एक्स 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 रहता है, फिर 4 डिजिट होता है. यस
वो हिडन होता है हाँ तो हिडन नहीं होता ही नहीं है पेपर अच्छा आर्टिकल ही होते हैं सर तो वैसे कैसे करें मैंने उस तरह कैसे लिखा तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम लिख यहाँ पे क्या करेंगे हम राइट क्लिक करते हैं फॉर्म पर सेल पे जाते हैं कस्टम पे जाते हैं और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 टाइम जीरो दे दिया और इन्वर्टर कुमार में चार बार एक्स लिखा इस फिर चार बार एक्स इसको लिया और फिर यहाँ पे 0 0 0 चार जीरो दे दिया मैं यहाँ पे 8 नंबर लिखूंगा 8 नंबर है और इस तरह का बन गया बैंकर जी को डाउट इसमें बैंकर जी मैंने म्यूट कर दिया था आपके शोर आ रहा था आपके माइक से अनम्यूट कर लीजिए आप ओके अनम्यूट तो है बैंकर जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे चलिए कोई बात नहीं अब बात करते हैं जीरो और हैश का पढ़ना कि हम जीरो क्यों डालते हैं हैश क्यों डालते हैं जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 1520 किया मुझे एमआरपी शो करना है तो अगर मैं यहाँ पे कस्टम में गया और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने एमआरपी लिख दिया अब इसके आगे ना जीरो लिखो ना हैश लिखो तो इसमें हमारा वैल्यू नहीं दिखेगा सिर्फ दिखेगा वो टेक्स्ट जो हम लिख रहे तो आपको टेक्स्ट शो करने के लिए खाए तो जीरो या हैश देना ही पड़ेगा नंबर शो करने के ठीक है तो नंबर शो करने के लिए देना ही पड़ेगा तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए दो बार जीरो लिख दिया मैंने तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा तो 05 हो जाएगा और ऐसा ये सिर्फ नंबर है उसी नंबर को शो करेगा तो यहाँ पे दो बार हैश दे दिया तो नंबर ही शो 50 देगा नहीं 50 नहीं आएगा नंबर ही शो करेगा एक और एग्जाम्पल हम आपको बताएं इसमें एक और एग्जाम्पल इसमें है जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 50 रुपीज और 30 पैसा या 60 पैसा डाल दिया तो राइट क्लिक किया फॉर्मेट सेल में और कस्टम में आता हूं मैं यहां लिखता हूं जीरो और हैश यहाँ पे रुपीज उसके बाद डॉट 00 हमारी आपका लिखे अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमने जीरो और हैश क्यों दिया अगर हम राइट क्लिक करते हैं कस्टम में जाते हैं फॉर्मेट से तो यहाँ पे हमने जीरो हैश क्यों दिया मैं यहाँ पे डबल जीरो दे सकता था तो डबल जीरो पे अगर मान लीजिए 60.6 डालेंगे तो यहाँ पे 00 आएगा क्योंकि तो थोड़ा सा और लग रहा है लग रहा है सर यस सर थोड़ा सा और लग रहा है ठीक है सर और इसमें मान चलो ठीक है तो मैं यहां पे सिर्फ हैश डाल देता हूं मैं यहाँ पे फॉर्मेट में सिर्फ यहाँ पे हैश डाल देता हूँ दो बार एंटर यार रुपीज 60 पैसे दिख रहा है ये भी थोड़ा और लग रहा है क्या बनाया सर कि नहीं यस सर तो इसलिए तो सर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 दे सकता हूँ यहाँ पे जीरो ना डाल के मैं यहाँ पे सिर्फ 10 डाल दूं सिर्फ तो यहाँ पे जीरो दिखेगा ठीक है ठीक अच्छा दिख रहा है लेकिन जब मैं यहाँ पे 5.30 पैसे डालूंगा तो सिर्फ 5 दिखेगा 05 नहीं दिखेगा मुझे यहाँ पे 2 डिजिट मेंटेन करना है तो मैं यहाँ पे जीरो और हैश नहीं होगी रेत जी कोई डाउट है आपकी वॉइस सर समझ में आ रहा है ओके जी अब आ रही है आपके पास
सर आपको वॉइस आ रहा है? मेरा वॉइस आ रहा है सर, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके सर, लास्ट फ्यू मिनट से मैं सिस्टम में देख रहा था इसलिए शायद। ओके सर, अभी कंटिन्यू कर लीजिए। कॉल मैन अब तो नहीं है ना सर आपको? हाँ ओके सर, मैं फॉलो हो रहा हूँ। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा तो इसमें आगे ये दिखाते हैं आपको हम कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दूसरों आ गया, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं डेट लिख, सॉरी इसे लिखता हूँ 1000 लिखता हूँ, 2500 लिख दिया, 1000 लिख दिया, मुझे इसमें 1000 सेपरेटर देना, जैसे कॉमा लगाते हैं ना इस तरह का देना, तो कस्टम फॉर्मेटिंग से भी इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हैश या जीरो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा हैश हैश। यहाँ पे अब मैं अमाउंट मतलब इन रुपीज में कन्वर्ट करना, तो मैंने लिख दिया के, देखिए 25 के हो जाए, रहेगा 25,000 ही, कैलकुलेशन भी होगा, मान लीजिए मुझे इसमें 1000 जोड़ना है तो आपका 26 के आएगा, तो जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन आपको 1000 पे ही होगा। यस सर, ठीक है। लेकिन आपको जो ध्यान शो होगा वो शो होगा आपको सिर्फ दो डिजिट में, इसका यूज हम चार्ट प्रोग्राम में करते हैं, जैसे बहुत बड़ा डेटा हो जाता है छोटे से एरिया दिखाना है तो यहाँ इसका वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यस सर, चलिए आगे बढ़े। यस सर, ओके सर, अब इसमें मान लीजिए कि ये तो हो गया, अब मुझे मान लीजिए कि अमाउंट इन करोड़ में चाहिए, तो यहां पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए और यहां पे 0.00 और यहां पे डबल कॉमा दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें मतलब जैसे करोड़ का होता है सी आर, वो लिख के नहीं आएगा क्या? हाँ लिख सकते हैं, मतलब मैं ना कर दूँ किसी को लिखना है आपको। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, मतलब इन लास्ट वर्ष में तो आप इन्वर्टर कॉमा लगा ही सकते हैं ना, और उसमें जो लिखना चाहिए उसके लिए आप फ्री है। डाउट इसमें सुरेश जी? सर ये अभी देखने वालों को लगता है 2.53 है, लेकिन हम लोग खुद को पता है 2.53 को। हाँ इसको चार प्रोग्राम में लगा, इसमें आगे लगा सकते हैं 2.53 है ना, ये लगा सकते हैं हम। ओके ठीक है ना, ओके सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप क्या कर सकते हैं, मिलियन में इस तरह से आप 1000 और मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाख में नहीं, वो नहीं सर, वो यूएस फॉर्मेट में चलता है सर, ठीक है। ठीक है सर, बने सर इसमें अब इसमें बात आगे की बात आती है कि इसमें और भी बहुत चीजें हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, तो उसको आगे सीखने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक आर्टिकल आपको भी दिखा रहे हैं, वो आर्टिकल हम आपको दे रहे हैं, उस आर्टिकल को पहले पढ़िए, उसके बाद जो है बाकी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, आपको दिखा रहा हूं, इस आर्टिकल में पूरा समझाया हुआ है सर, इस आर्टिकल में ये पूरा बताया हुआ है कस्टम फॉर्मेटिंग की डिटेल्स में, ये माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है लेकिन बहुत अच्छी चीज समझाया हुआ है, इसे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इसको एक बार पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में
ठीक है ठीक है सर। और कोई डाउट पकड़ा होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग लिंक आपको भेज देता हूँ। ओके ठीक है। और आपकी मिल आई डी आईडी क्या है सर? राहुल जी सर हम बाबा चंदन बी ए बी ए। हाँ टॉप वाली ठीक है, इसको देखिए फिर हम कल डिस्कस करते हैं। सर वो वी लुकअप वाली भी वीडियो भेज देते हैं अभी ऑफिस में। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक बार ढूंढ के भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट है पूछ सकते हैं, वरना क्लास क्लोज करेंगे। ओके सर, नो इशू। ओके, आपको कोई डाउट है सर? नहीं सर, ओके अंडरस्टैंड। ओके बाय।